मैं क्या करूं? कौन निकालेगा मुझे इस प्रॉब्लम से? गौरव, हाँ सिद्धि फोन करने वाला था यार। मुझे सिद्धि के लिए चॉकलेट चाहिए थी। वो पाली नाका में दुकान थी ना बहुत साल पहले, वहां की चॉकलेट मुझे बहुत पसंद थी। तुझे मालूम है मैं दुकान खुली है कि बंद है? अरे यार मैं जानता हूँ वो खा नहीं सकती, मगर यार इतना थॉट दैट काउंट्स ना। अरे तू बता ना वो खुली है दुकान? हाँ भैया वो दुकान उसी की सामने वाली गली में। अच्छा सामने वाली गली। अच्छा ठीक है चलता हूँ। थैंक यू बाय। अब ये गौरव भी पता नहीं कहाँ चला गया। जिस दिन इनकी सुबह सुबह जरूरत हो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ मां इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। तो कुणाल कहाँ खा के गया है? अरे दोनों गए होंगे किसी काम से बेचारे। क्यों सुबह सुबह कोस रही हो दोनों को? अब कोस नहीं रही हूँ, सिद्धि को नाश्ता देने कौन जाएगा ये सोच रही हूँ। अरे मुझे बोलो ना मैं चला जाता हूँ लेकर। आप तो ना रहने दीजिए, आप तो बच्चों को संभालिए। उनके दिमाग में वो जो नाटक का फितूर डाला है ना उसको उतारिए। अरे मेरे नाटक के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम भाई? अरे पढ़ाई लिखाई सब ताक पे रख दी उस चक्कर में उन्होंने। आप रहने दीजिए मैं ही जाती हूँ। अरे तुम मत जाना भाई। क्यों? बार बार चक्कर लगाओगी कहीं कमर में दर्द हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे कमाल करते हैं आप। अरे अभी मैं अपनी परेशानी देखूं या सिद्धि की परेशानी देखूं? तू क्या पापा पापा बीच में करती है? जाने दीजिए ना, नाश्ते के बहाने सिद्धि से बात हो जाएगी। माम मैं नाश्ता तैयार कर दिया आप ले जाइए। हाँ तू दे मुझे। हाँ मैं दे। ठीक है समझते नहीं है ये लीजिए। और देखना सीमा ये नाटक वाटक में ना लगे रहे सब लोग। संभाल के जाना। स्टोरी तो हमें मिल जाएगी, बस ये सोचो कि चाचू और चाची का रोल कौन करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई एक्ट वैक्ट नहीं होगा। चलो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो अपना। सिद्धि का कैसे वेलकम करना है मैं सोच लूंगा। दादू दादू बैठिए तो सही। क्या वेलकम? दादू हम एक्टिंग तो नहीं करेंगे पर आप ये आइडिया ड्रॉप मत करना। अब हाँ दादू ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। क्या अच्छा है? हम तो उन्होंने तो सोचा ही नहीं और आप तो झटके में सोच लिया। बड़ा दादू यार ग्रेट दादू ये तो ग्रेट, आपका आइडिया तो कितना मस्त है। और दादू जब आइडिया तो अच्छा है तो स्टोरी कितनी अच्छी होगी। और दादू हम ये रोल करें ना करें आप ये लव स्टोरी जरूर लिखना। दादू थोड़ा तो बेस्ट अब बहुत अच्छा लिखते हो दादू। सुनो इधर आओ। मैं तो ये एक्ट लिखूंगा भी और हम लोग ये एक्ट करेंगे भी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कुणाल का रोल कौन करेगा? मैं नहीं यार तुम दोनों बहुत छोटे हो। अच्छा सुनो कुणाल का रोल करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्टर है। मैं दादू आप बेटा बाप हूँ उसका अच्छा तो नहीं समझता हूँ उसको। आप ये भी कहें कि मॉम का रोल शादी करेंगे तो झगड़ा पक्का है, एक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा डरो मत मैं नहीं करने वाला हूँ एक्टिंग एक्टिंग ठीक है, लेकिन लिखूंगा मैं। और सुनो और डायरेक्ट मैं ही करूंगा ठीक है। कहाँ गई ये सिद्धि? अंदर हो? अरे जल्दी बाहर आओ देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। याद है वो लक्ष्मी रोड में चाय वाला था जिसकी चाय तुम्हें बहुत पसंद थी, वो मसाले वाली चाय वो लाया हूँ और साथ में बिस्किट भी। अरे जल्दी करो ना सुनाई दे रहा है? हाँ कुना मैं सुन रही हूँ। तो जल्दी बाहर आ जाओ। कुना वो मैं मुंह धो रही। ए डॉक्टर से पूछ लिया ना कि मुंह धो सकती हो? हाँ
पूछा, उन्होंने कहा कि मैं अपना चेहरा धो सकती हूँ। हेल्प चाहिए? आओ। नहीं, मैं कर लूंगी। पक्का? हाँ पक्का, कर लूंगी मैं। अरे बाहर आओ, देखो तुम्हारा हस्बैंड क्या क्या लाया है। चॉकलेट, संतरे, अंगूर। यार इतनी बातें करनी है तुमसे मैंने। अरे याद है वो कल का केस जो मैं जीत गया था? हाँ, उस कंपनी ने मुझे एक परमानेंट जॉब दी है, वो भी अच्छी सैलरी में। और अपने मोंगाली बाबू है ना, मुखर्जी दादा, वो भी साथ काम करेंगे। जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। ए मिसेस चोपड़ा, अरे कोर्ट जाना है यार, जल्दी आ जाओ। हाँ चाय ठंडी हो जाएगी। हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सिद्धि, जल्दी आओ ना यार, कोर्ट जाना है मेरे को। कुनाल, मुझे टाइम लगेगा, आपको लेट हो रहा है ना, आप चाहिए ना? अरे ऐसे कैसे चले जाऊँ यार, ढंग से मिला भी नहीं हूँ तुम्हें। जब से ठीक हुई हो कभी सो रही हो कभी आराम कर रही हो, थोड़ा मन कर रहा है मिलने का ना यार। क्या तुम रोमांटिक मूड को समझती नहीं हो क्या? मैं अंदर आता हूँ। डरा रहा था। अच्छा सुनो, जा रहा हूं मैं, बाद में मिलूंगा। बाद में सोते मत रहना तुम। फिर मुझे बताया। क्या करूं? अब आपसे बात करना था तो मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। वाह,
मेरे जाते ही तुम बाहर आ गई। तो अच्छा हुआ, अपना फोन भूल गया था मैं। बहाने तुम मिल से गई। कितना मिस किया तुम्हें। अगर शाम की चाय हम साथ पियेंगे, ओके? अब कोई माइका लाल के केस में हरा सकता है। अरे तू यहाँ है? उमा, मैं सिद्धि के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाया था। तो बताना चाहिए था ना, हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। उमा, सुबह जरा जल्दी में था ना, फिर से फोन आ गया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा तूने कुछ खाया कि नहीं? माँ, वहाँ कैंटीन में खा लूंगा ना। ठीक है, बाद में लूंगा। थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी? चल बेटा खाना खा ले। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अरे कुणाल, डॉक्टर साहब सिद्धि से मिलकर आ रहे हो? हाँ, और नहीं भी डॉक्टर साहब, बाथरूम में फेस धो रही थी तो ढंग से मिल भी नहीं पाया। फेस धो रही थी? क्या पर ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, उसके लिए ठीक नहीं। किसने बोला उसे फेस धोने के लिए? उसने कहा कि आपने कहा कि ठीक है, वो धो सकती है फेस। मैंने बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने तो उसे बोला था फेस टच भी ना करें। एनी वे सिस्टर बात में जाके सिद्धि को बोल देना कि ऐसा ना करें। ओके, जब डॉक्टर ने कहा ही नहीं तो सिद्धि अपना फेस क्यों धो रही थी? और ऐसा क्यों कहा कि डॉक्टर ने कहा? अजीब बात है। यही मैं कुणाल से छुपा रही, मैं उन्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखा सकती। कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देखना चाहता। और अगर कुणाल ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझसे नफरत करने लगी, मुझे छोड़ दे। सिद्धि क्या कह रही है तू? कुणाल ऐसा कभी नहीं करेगा। और अगर ऐसा कर दिया तो? नहीं माँ, मैं कुणाल को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊं। बड़ी मुश्किल से हम दोनों एक हुए, मैं अब उन्हें फिर से नहीं खोना चाहती। ये चेहरा लेके मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। क्यों ऐसा बोल रही है, क्यों ऐसा सोच रही है? नहीं मां, आप भी इस बारे में उनसे कुछ मत कहना और कोशिश करना कि वो मुझसे दूर है। अगर वो मेरे पास आएंगे तो मुझे देख लेंगे। क्या बचपना है सिद्धि, क्यों सोच रही हो तुम ये उल्टा सीधा? अब कर ये बेवकूफ बेटा, तुम्हारे चेहरे के बदलने से कुणाल का प्यार नहीं बदलेगा। वो तुम्हें प्यार करता है और सारी जिंदगी करता रहेगा। अच्छा चल, तुम मुझे एक बात बताओ,
तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कुणाल को तुमसे दूर रखूं, तुम उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। मैं सच बता सकती, क्या तू कुणाल का चेहरा देखे बिना जी पाएगी? नहीं। बस ये जवाब मुझे नहीं, अपने आप को दो। बेटा, मौत से लड़कर लौटी हो तुम वापस कुणाल के पास, उसने तुम्हें जीने का जज्बा दिया है, तुम उसे दूर नहीं कर पाओगे, कुणाल नहीं जी पाएगा तुम्हारे बगैर। तुम एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझ पर भरोसा रख, अपने प्यार पर भरोसा रख। कुणाल, कुणाल तुम्हें पहले से ज्यादा प्यार करेगा, तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखेगा, हमेशा तुम्हें अपने पास रखेगा। मैं चाहती हूँ ये सब वो अपनी उदासी छुपा कर करेंगे, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। माँ, आप प्लीज मुझसे वादा कीजिए, आप कुणाल को मुझसे दूर रखेंगे। ये मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप तो मेरी कसम, ये सब मैं कुणाल के लिए कर रही हूँ, और आप मेरे लिए कुणाल को मुझसे दूर रखें। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन सिद्धि मेरी भी एक बात ध्यान रखना, तुम 24 घंटे भी कुणाल से दूर नहीं रह पाओगी। तुम खुद मुझसे कहोगी कुणाल को तुम्हारे पास लाने के लिए। ऐसा नहीं होगा। क्यों सिद्धि, क्यों अपने प्यार का इम्तिहान ले रही हो? तुम हार जाओगी। मैं हारना चाहती हूँ, अगर अपनी खुशियों को हार कर मैं कुणाल को खुश रख सकूं, तो मैं भी खुश रहूंगी। हम मानते हैं मिस्टर गौरा कि आपने हमारे लिए टेंडर पास करवाया, लेकिन इस वक्त आप पर पुलिस केस चल रहा है। ऐसे में हम आपको ऐसे देखकर खुद पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। यही वजह है कि हम आपको फोन रिसीव नहीं करें और अब हम आपसे मिलकर नहीं रखना चाहते, और आपसे भी अनुरोध कि आज के बाद हमें फोन करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ना तो हम आपको जानते हैं और ना आप हमें जानते, समझे? जैसे गौरव, हमने आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन एक सलाह आपको देना चाहते हैं कि आइंदा से डील करते वक्त क्लाइंट से पैसे एडवांस में ले लीजिए, क्योंकि एक बार डील खत्म तो कॉन्टैक्ट भी खत्म, समझे? अच्छा बेटे, हम चलते हैं। मैं जानती हूँ सिद्धि, तुम ये सब कुणाल के लिए कर रही हो, और बेटा कुणाल के लिए ही मैं तुम्हें ये सब करने से रोक रही हूँ। एक बार फिर से सोचना, तुम्हारे इस फैसले से कोई खुश नहीं होगा। जिस दिन ये घाव भर जाएगा ना सिद्धि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, घाव तो भर जाएंगे, इनके निशान जो चेहरा कुणाल की आंखों में बसा है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती। इस चेहरे को लेकर मैं कुणाल के सपने नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सिद्धि, मैं तो फिर भी इन जख्मों के भरने का इंतजार करूंगी, पर देख लेना, तुम 2 दिन भी कुणाल से मिलने का इंतजार नहीं कर पाओगे।